अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए 108 कर्मचारी की वजह से हमीरपुर में मरीजों को परेशानी हो रही है। हड़ताल के पहले दिन हमीरपुर अस्पताल में मरीजों को निजी टैक्सियों से आवाजाही करनी पड़ी और पैसे खर्च करने पड़े। हालांकि पूरे प्रदेश में तो पिछले चार दिनों से 102 और 108 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन हमीरपुर जिला में कर्मचारी अभी तक काम कर रहे थे। अब हमीरपुर में भी कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले जाने पर मरीज खामियाजा उठा रहे हैं। हमीरपुर अस्पताल में भी अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद जब फोन पर एम्बुलेंस बुलाई तो आने से मना कर दिया। पति विनोद ने बताया कि चार दिनों तक अस्पताल में पत्नी भर्ती थी और डिलीवरी के बाद छुट्टी हुई है, लेकिन निजी टैक्सी करके ही घर जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन कहीं भी जाने से मना कर दिया। गौरतलब है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर होने पर जिला प्रशासन की ओर से भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। की डिलीवरी थी चार दिन बाद हुई, आज हमको डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके लिए एम्बुलेंस है तो बोलते हैं एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। किसी की डिलीवरी थी चार दिन बाद हुई, आज हमको डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके लिए एम्बुलेंस है तो बोलते हैं एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। खड़े हुए गाड़ी में और ऐसे बोल रहे लोगों को।